बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपको डॉक्टर मासूम आबदी साहब से मिलवाने जा रहा हूँ। डॉक्टर मासूम आबदी साहब की शख्सियत किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी में अपनी प्रोफेसरशिप से ले कर अपनी पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में अपने ये प्रोफेसर और पढ़ाने के मनसब के साथ साथ कम्युनिटी से भी उनका राबता और कम्युनिटी एक्टिविस्ट के तौर पे उनकी खिदमात किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। तो आज हम उनसे कुछ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट फॉर द कम्युनिटी के लिए उनके जो ख्यालात हैं और उनका जो ये टोरंटो का ट्रिप था, हमारे आल सॉल्यूशन टीम और ZNB बिल्डर्स और आर्किटेक्ट कंसल्टेंट्स की एक्टिविटीज़, ख़ास तौर पर इनकी इस ट्रिप की स्टडीज़ का उनवान था। तो इन्होंने क्या मुशाहदात किए और कौन से प्रोजेक्ट्स प्लान्स इनके सामने आए जो आम लोगों के लिए और आम इंसानों के लिए वो फ़ायदा मंद हो सकते हैं, उसके बारे में गुफ्तगू फरमाएंगे। तो डॉक्टर मासूम आबदी साहब, शुक्रिया मुजाद शराजी साहब आपके काइंड वर्ड्स का। मैं यहाँ टोरंटो में काफ़ी अरसे से साल हा साल से खिदमत दीन की लिए हाजिर होता रहता हूँ और आज पहली बार इन्होंने मुझे ज़हमत दी या मुझसे गुजारिश की कि मैं कुछ इनके जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं जो इंतहाई ज़रूरी हैं मिल्लत के लिए, उन पर रोशनी डालूं। मुझे वक्तन फ़क्तन आल सॉल्यूशन टीम के इंचार्ज की हैसियत से और ZNB या ZNB एसोसिएट्स की तरफ से भी मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलती रहती हैं ईमेल में भी और मैं उसको पढ़ता रहता हूँ। इस दफ़ा मैं जब यहाँ आया तो मुजाहिद शिराजी साहब मुझे एक अपने प्रोजेक्ट पर ले कर गए जो हॉकसबरी ओंटेरियो में मॉन्ट्रियल से एक घंटे के फासले पर है और वो 40 एकड़ ज़मीन है जो इन्होंने ख़रीदी है बड़ी मेहनत के बाद और बड़े मुनासिब दामों में, और वो ज़मीन ऐसी है कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किए जा सकते हैं। हमारे कुछ दोस्तों और अहबाब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि अगर ये ज़मीन मुनासिब हो और वहाँ कंस्ट्रक्शन इस तरह हो सके कि हम कोई टीके उनमान से कोई चीज़ वहाँ तामीर कर सकें, तो मेरे ख्याल में बहुत उम्दा जगह है। मगर और भी कई प्रोजेक्ट्स पे ये काम कर रहे हैं और ज़मीनों की ख़रीद फरोख्त और उनको हासिल करना इस उनवान से कि मुजाहिद शिराजी साहब के ऊपर ये चीज़ पूरी तरह आशकार हो चुकी है कि पैगंबर की हदीस ख़ास तौर पर इस ज़माने में कितनी सदाकत के साथ सामने आई है कि मन ला माश लहू ला माद अल्लाह, कि वो शख्स जिसका माश ठीक नहीं है उसका माद क्या ठीक होगा। तो इसलिए कि माशी तौर पर आपका ख़ुद अपने आप पर इन्हसार होना और अपने प्रोजेक्ट्स के इस काबिल होना कि दीन और दुनिया के प्रोजेक्ट्स को चला सकें और दूसरों के दस्ते नगर और मोहताज न हों, खुदावंद आलम इनकी इन मसाई को कामयाब फरमाए। और अब तक जो इन्होंने अचीवमेंट्स की हैं उसमें हॉकसबरी की जो ज़मीन है या एक और जगह पर इन्होंने 55 एकड़ ज़मीन ख़रीदी है और एक कंसोर्शियम ऐसा तश्कील दिया है जिसमें ने बड़ी इनहमाक से उसमें शिरकत की है और उसके नतीजे में ये इस काबिल हुए हैं कि मुख्तलिफ़ सिटीज़ और मुख्तलिफ़ काउंटीज़ के साथ नेगोशिएट करके बड़ी बड़ी बल्क में ज़मीनें उठा सकते हैं। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अनकरीब और लोग भी इनके इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे, क्योंकि ये फ़ी सबीलिल्लाह लिवजहिल्लाह सारा काम हो रहा है और खलूस और इनकसार दोनों चीज़ें मिली हुई हैं। ना इसमें कोई एरोगेंस है ना कोई और ऐसा सिलसिला है कि जो लोगों को दूर कर दे। तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इनके प्रोग्राम और इनके चीज़ों को देखेंगे तो अट्रैक्शन फील करेंगे और इसमें अपना हिस्सा डालेंगे और इस तरह ये इनकी कंपनीज और इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बेसिकली जो खिदमत खल्क के उनवान से वजूद में आए हैं ज़्यादा बेहतर तौर पर काम कर सकेंगे। मुजाहिद साहब के साथ जो और लोग हैं, रज़ा भाई हैं या बल्कि हमारे
मौलाना मुस्वी साहब और भी बहुत से लोग जो इनके साथ शरीके कार रहते हैं और इनको दामे दिल में सुखने इनकी मदद करते रहते हैं, मेरी उनके लिए भी दुआ है कि खुदा उन दिलम उनकी तौफीकात में भी इजाफा फरमाए और इनके एक दो प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त बिल्कुल पाया तकमील पे पहुंचने वाले हैं उनके अंदर इतनी सलाहियत है, जॉब के उनवानात से उनवान से भी, मकानों के रेजिडेंस के उनवान से भी, ताजिद की तामीर के उनवान से भी। तो बस मुझे एयरपोर्ट पर जाते जाते इन्होंने कहा कि मैं अपने ख्यालात का इजहार करता जाऊं, तो मैंने जो मेरी मारूजात थी वो मैंने पेश कर दी और जो लोग भी इस सिलसिले में मज़ीद कदम आगे बढ़ाना चाहें मुजाहिद शिराजी साहब से ही रब्ता करें और हम इनकी खिदमत में हाजिर हैं, जो कुछ वक्तन फ़वक्तन हम खिदमत कर सकेंगे उसके लिए ये हमें इंशाअल्लाह मुस्तैद और तैयार पाएंगे। फ़ी अमानिल्लाह अज़ीज़, आप सब से खुदा हाफिज़ करता हूँ, अल्लाह आपका हामी नासिर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मासूम आबदी साहब, आपके तावन से, दोस्तों भाइयों के तावन से हमारी एक बेहतरीन टीम तश्कील पा रही है जिसमें हमारे पास बिज़नेस प्लान, कंस्ट्रक्शन और आम जो भी कोई बंदा उससे फ़ायदा उठाना चाहता है या कहीं पे वो स्टॉक है, तो हमारी टीम की खिदमात इंशाल्लाह आपके लिए हाज़िर होंगी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का और समात फरमाने का डॉक्टर मासूम आबदी साहब और सामहीन, बहुत शुक्रिया।